नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड कितने दिन में आपके घर पे आता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा एटीएम कार्ड है और मेरा जो किसी भी बैंक का मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं HDFC बैंक का बताता हूँ, लेकिन मेरा जो कार्ड आया है HDFC बैंक का आया है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी बैंक का आप एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको दो कोरियर के माध्यम से आता है। सबसे पहले आता है ब्लू डार्ट और सेकंड में आता है स्पीड पोस्ट, यानी कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से आता है। तो दोस्तों ये जो कार्ड आया है ब्लू डार्ट के कंपनी से आया है, ठीक है। तो ये मुझे अप्लाई मैंने किया था 20 तारीख को और आज हो रहा है 29 तारीख। तो मेरा कार्ड ये जो है मेरे एड्रेस पे भेजा गया था 25 तारीख को, 25 तारीख को मेरा कार्ड को भेज आ गया था मेरा पोस्ट में, ठीक है। लेकिन मेरा एड्रेस गलत होने के कारण मेरे घर पे नहीं आया और मेरा जो मोबाइल था उस पर उसको कॉल भी नहीं लगा था। जो कोरियर होता है वो उन्होंने कॉल किया था लेकिन कॉल नहीं लगा। तो मेरा ये कार्ड 26 तारीख को कॉल आया तो फिर मुझे पूछा गया कि आपका एड्रेस क्या है, सिर्फ आपका गांव का नाम है, आपका पिताजी का नाम नहीं है, ना ही आपका मोहल्ला नंबर है, ना ही आपका ये कोई एड्रेस इसमें मैच कर रहा है, तो आपको कार्ड कहाँ पे देना है। तो मैंने जो है उनको बोला कि आप, मैंने एड्रेस पे बोला तो बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो कार्ड लेकर आया और मैंने कार्ड को रिसीव किया OTP बता करके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ATM जो है आप स्टेट बैंक का भी अप्लाई किए हैं या बड़ौदा बैंक का या किसी भी बैंक का, तो मैक्सिमम जो है 12 दिन तक इसका डेट होता है कि 12 दिनों के अंदर में ही आपको कार्ड मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर 12 दिनों से ज़्यादा हो रहा है तो आपको कंप्लेन करना चाहिए, आपको अगर बैंक से आपने अप्लाई किया है तो बैंक जाना चाहिए। 12 दिनों के बाद आपका हो सकता है रिजेक्ट भी हो गया होगा, हो सकता है आपका एड्रेस गलत होगा, तो आपको जो है पोस्ट ऑफिस में भी पता करना चाहिए और जब भी अप्लाई करें तो मोबाइल नंबर ज़रूर दें, क्योंकि अगर एड्रेस गलत भी है तो आपसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा और आपका जो है ATM कार्ड सही और सही जगहों पे और सही आदमी के हाथ में मिल जाएगा, इसलिए मोबाइल नंबर दिया जाता है। तो स्टेट बैंक का आप अप्लाई किए तो 7 दिन के अंदर में आपको मिल जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो 12 दिन तक लगता है, 12 दिनों से नीचे ही आपको मिल जाना चाहिए, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन के अंदर में आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने सभी बैंकों का बता रहा हूँ, ये दोनों कंपनी का बात कर रहे हैं। अगर आपका स्पीड पोस्ट इंडिया से आ रहा है तो वो जो 8 दिनों से अंदर यानी कि 7 दिन में आपको घर पे पहुँचा दिया जाता है, वो कंपनी थोड़ा सा फास्ट होता है। लेकिन ब्लू डार्ट का जो टाइम होता है ये जो है 9 दिन तक भी लगा सकता है आपका, और मैक्सिमम जो ब्लू डार्ट का डेट होता है 15 दिनों तक होता है, यानी कि 15 दिनों से लेकर 7 से लेकर 15 दिन के अंदर में आपको कार्ड मिलना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा टाइम हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो रेफरेंस नंबर मिला है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं और ब्लू डार्ट टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर इंडिया पोस्ट से आ रहा है तो आप इंडिया पोस्ट टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरा कार्ड का ज़रूरत है, कार्ड क्यों नहीं मिला, तो बहुत जल्द ही आपको डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सभी कंपनी का टोल फ्री नंबर होता है ब्लू डार्ट और स्पीड पोस्ट का, तो आप कंपनी से बात करेंगे और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये मेरा एड्रेस है, इसमें कार्ड है और इस मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि HDFC टाइम पॉइंट डेबिट कार्ड में क्या क्या लिमिट होता है, ये अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी बस कितने दिनों में कार्ड वगैरह आता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है।